लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उनसे जनता का जुड़ाव हो जाता है। अचानक चयन कर देने से मरीजों के इलाज में प्रभाव पड़ता है। शिकायतों के आधार पर महज कुछ महीनों पहले ही ट्रांसफर को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से खास बातचीत की है स्वराज संवाददाता सत्या राजपूत ने। छत्तीसगढ़ के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डीकेएस हॉस्पिटल के अभी अधीक्षकों की ट्रांसफर हुई और डीएमई आदिले जी को उनका प्रभार दिया गया है। इस वक्त इस मुद्दे पे चर्चा के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उसे जानते हैं कि क्या कुछ कारण थे। सर, डीकेएस के जो अधीक्षक थे सहारे जी, उनका अब फिलहाल ट्रांसफर हुआ है और उसको महज 4 महीने हुआ था वहां ज्वाइन किए, क्या कारण है तत्कालिक ट्रांसफर का? बार बार बातें आ रही थी कि प्रबंधन में व्यवस्था सुधर नहीं पा रही है, कई प्रकार की शिकायतें आ रही थी। तो सीनियर मोस्ट जो हमारे पास अधिकारी डीएमई में थे, सीनियर मोस्ट अधिकारी को उसकी भी व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई। उनके पास तो पहले से कई सारे चार्ज हैं और वो डीएमई है, मेडिकल उसका पूरा प्रभार उनके पास है, उसके बावजूद क्या उस जहाँ पे गर्म तवा है समझ लीजिए वहाँ पे उनको बैठना और उसको संभालना क्या आसान बात है? उनको संभालने योग्य माना गया है तभी किया गया। सर, अब प्रदेश में ऐसे कई सारे डॉक्टर्स हैं जो अपने पद पे 14-15 साल से बने हुए हैं, उन पर किस तरह से एक्शन हो गया या कुछ करा? थोड़ा संवेदनशील पहलू है, संवेदनशील मामला है कि डॉक्टर साहिबानों के नागरिकों से भी संबंध बन जाते हैं, फैमिली डॉक्टर टाइप हो जाते हैं, तो उनके तबादले एक रिएक्शन भी होता है, अरे हमारे डॉक्टर साहब को हटा दिया। आप जिनसे सेवा ले रहे हैं अगर उनको यहाँ से हटाएंगे तुरंत आप बोलोगे कि अरे देखिए यहाँ मेरा डॉक्टर चला गया। उनमें तमाम तरह के आरोप भी लगे हुए हैं। आरोप में तो कार्रवाई होगी, आरोप में वहाँ पोस्टिंग का सवाल नहीं है, आरोप है तो कार्रवाई। पोस्टिंग, ट्रांसफर, सस्पेंशन, मैंने मीटिंग में भी ये कहा, सस्पेंशन हल नहीं है, बात डिसमिसल तक ले जाइए या सुधार तक ले जाइए। ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी, जिनका साफ कहना है कि उनके कार्यों के आधार पर उनको वहां से ट्रांसफर किया गया है। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्यराज।